शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाइन शॉप खुलने से खापरखेड़ा वासियों के होश उड़ गए हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर और लॉकडाउन से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। खापरखेड़ा शहर में 22 मार्च से लॉकडाउन पश्चात मदिरा की दुकानें बंद रहने से अधिकांश लोग शराब के लिए इधर उधर भटक रहे तो कुछ ब्लैक भाव में लेकर राहत मिलाते थे, लेकिन शासन आदेश के अनुसार आज वाइन शॉप खुलने से शराबियों में राहत मिली। दुकान खुलते ही ग्राहकों ने थाली बजाई और गो कोरोना चिल्लाए। आबकारी विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया और वाइन शॉप में शराब बिक्री शुरू की गई। इस वक्त धूप में खड़े दिन भर ग्राहकों के लाइन की कतार दिखी। वाइन शॉप के सामने पुलिस खड़ी रहकर हो रही गर्दी को कम कर रही थी। लगभग 50 दिनों के बाद आज खापरखेड़ा परिसर में सरकारी आदेश के बाद वाइन शॉप खोला गया है, लेकिन वाइन शॉप खुलते ही खापरखेड़ा वासियों के भीड़ देखते ही होश उड़ गए। वाइन शॉप के सामने नियमों का पालन करने के लिए शॉप के आदमी खड़े रह गए थे। सामाजिक दूरी का पालन किया गया। मुख्य बाजार पेट में सिर्फ किराना दुकान ही खुली रही, लेकिन सबसे ज्यादा बेपरवाह शराब मिलने के लिए वाइन शॉप के सामने नजर आई और डिस्टेंसिंग रखते हुए अधिकांश लोग खापरखेड़ा इलाके के ही नजर आए। शराब लेने लोग फोर व्हीलर से भी आए थे। नागपुर शहर की दुकानें खोली नहीं गई, फलस्वरूप नागपुर ग्रामीण में दुकानें खुलने से राहत मिली। अधिकांश पियक्कड़ों ने 8-15 दिन का स्टॉक खरीदा। नागपुर शहर में दिन ब दिन कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन खापरखेड़ा परिसर में ऐसी कोई स्थिति नहीं रहते हुए भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इन बीसीएन न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।